करोड़ों रुपए की आभूषण के साथ 8 लोग गिरफ्तार। मधुबनी नगर थाना अंतर्गत गदियानी वार्ड नंबर 5 को बीते दिन दिनांक 21 मार्च 2023 को सुभाष कुमार प्रसाद पिता लाल बाबू प्रसाद के घर से करोड़ों रुपए मूल्य की सोने एवं चांदी की जेवरात, निजी और बंधक वाला एवं पुश्तैनी जमीन का दस्तावेज अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसमें सुभाष कुमार प्रसाद पिता लाल बाबू प्रसाद ने नगर थाना मधुबनी को लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया, जिसकी कांड संख्या 98/2023 दर्ज की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिस दल में नगर थानाध्यक्ष राजा, कांड अनुसंधानक शत्रुघ्न कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, रहिका थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, खजौली थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह, क्लुआही थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह एवं तकनीकी कोषांग के सिपाही सुरेश कुमार को शामिल किया गया। उक्त टीम के द्वारा अधिसूचना संकलन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अवलोकन कर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उक्त पुलिस टीम ने 8 लोगों के साथ करोड़ों रुपए मूल्य की आभूषण बरामद कर लिया गया। प्रेसवार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि जिला के कई थानाध्यक्ष के सहयोग से सफलता हासिल कर करीब 1 किलो सोने की जेवरात एवं 25 किलो चांदी की आभूषण बरामद की गई है। उन्होंने जानकारी दिया कि लहरियागंज वार्ड नंबर 3 निवासी कुंदन कुमार ठाकुर पिता रामलाल ठाकुर के घर से 329 ग्राम सोने की जेवरात बरामद कर दोनों बाप बेटे को कब्जा कर लिया। गदियानी स्थित साजन कुमार पिता किशोर साफी के घर पानी से भरी टंकी से झोला में 14 किलो 174 ग्राम सोना एवं चांदी का जेवरात बरामद कर साजन कुमार, रोहित कुमार दोनों पिता किशोर साफी एवं किशोर साफी पिता स्व गंगाधर साफी को हिरासत में लिया। वहीं संतोष कुमार ठाकुर पिता बैजनाथ ठाकुर साकिन बड़ा बाजार मधुबनी के लहरियागंज स्थित वॉटसन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजित कुमार साहू के किराए के मकान से सोने चूड़ी का कटा हुआ 27 ग्राम बरामद, संघ हिरासत में। वहीं गदियानी स्थित राजा साहू उर्फ राजा तेली के घर के सीढ़ी के ऊपर रखे ट्रंक से 5 किलो 279 ग्राम सोने चांदी की आभूषण बरामद, संघ विजय साह पिता स्वर्गीय रामजी साह साकिन रामकृष्ण महाविद्यालय को गिरफ्तार किया एवं रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर स्थित मोनू कुमार पासवान पिता हीरा पासवान के घर से 10 किलो 128 ग्राम सोना एवं चांदी की जेवरात बरामद। तदनुसार पप्पू उर्फ इंद्र कुमार पासवान पिता स्वर्गीय बनारसी पासवान साकिन राजनगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज मंगरौनी रोड एवं मोनू कुमार पासवान पिता हीरा पासवान रहिका के जगत गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि विगत दिनांक 21 मार्च 2023 को लाल बाबू प्रसाद के ज्वेलरी दुकान एवं आवास पर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी के दौरान उनके घर की महिलाओं ने अपने उपयोग एवं गिरवी की रखी हुई जेवरात को आयकर विभाग से छुपाकर दूसरे कमरे में रख दी थी, जिसे अज्ञात के द्वारा चोरी कर ली गई थी। मधुबनी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने ऐसे धुरंधर पुलिस पदाधिकारी को पदोन्नति के लिए आगे बात रखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, टाउन थाना मधुबनी में केस नंबर 98/23 में चोरी की घटना की FIR दर्ज कराई गई थी। उस FIR दर्ज होने के बाद उसमें पुलिस ने सूचना संग्रह किया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक मधुबनी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कई थानाध्यक्ष और अन्य टेक्निकल टीम के सदस्य थानाध्यक्ष राजा के नेतृत्व में छापामारी में गए और CCTV फुटेज और सूचनाओं के आधार पर कई जगहों पर छापामारी की गई। उस छापामारी में चोरी किए गए सामानों की बरामदगी हुई। बरामद सामान में लगभग 1 किलो सोने के गहने हैं और लगभग 25 KG चांदी है। इस छापेमारी के दौरान जहां से ये चीज़ें बरामद की गई, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया चोरी का, मतलब 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वादी के अनुसार अभी जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अपनी सूची दी है, उसके लिए और भी छापेमारी जारी है और छापेमारी के दौरान जो भी चीज़ें बरामद होगी या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसकी सूचना ससमय आपको।